नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि बिल गेट जो एक वोरेशियस रीडर है, वो रेगुलरली तो रीड करते ही है, पर जब वो वेकेशन पे जाते हैं तब भी अपने साथ एक बैग भर के बुक्स लेकर जाते हैं और वेकेशन के हर दिन कम से कम 3 घंटे रीड करते हैं। और ये कहा जाता है कि उनकी यही हैबिट है जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया। मैंने रिसेंटली अभी ये जानने की कोशिश की कि इतना सक्सेसफुल इंसान कौन सी किताबें पढ़ता है, और उनके गुडरीड्स अकाउंट और उनके खुद की ब्लॉग वेबसाइट से मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली। और मैंने 20 ऐसी किताब आइडेंटिफाई की जो बिल गेट्स रिकमेंड करते हैं, और सही में वो किताबें अगर आप पढ़ लें तो आपका नजरिया बहुत से एरियाज में बिल्कुल बदल जाएगा। आइए जानते हैं वो 20 किताबें जो बिल गेट्स रिकमेंड करते हैं। सम फेमस पीपल बायोग्राफी मेमोर रिकमेंडेड बाय बिल गेट्स। इस लिस्ट में सबसे पहली किताब है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, जो अपने समय में बिल गेट्स के कॉम्पिटिटर तो थे ही पर बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वो हाईली रिकमेंड करते हैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ने के लिए। दूसरी किताब है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट का मेमोर, कैसे नाइकी के फाउंडर ने गाड़ी के बूट से शूज बेचना शुरू करके नाइकी को वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा बनाया। बड़े आसान शब्दों में वो अपनी किताब में बताते हैं। तीसरी किताब इस लिस्ट में है लियोनार्डो द विंची की बायोग्राफी, लियोनार्डो द विंची, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी उसके बावजूद वो साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर सबका ज्ञान रखते थे। इसके साथ साथ वो एक महान पेंटर तो थे ही। बुक्स विच विल चेंज योर व्यू अबाउट लाइफ रिकमेंडेड बाय बिल गेट्स। व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर, एक डॉक्टर जिन्हें कैंसर हुआ जिसने उनके जीवन के प्रति नजरिए को ही बदल दिया। बिल गेट्स कहते हैं दिस बुक लेफ्ट मी इन टीयर्स। Everything happens for a reason। ये किताब भी एक कैंसर पीड़ित के बारे में है कि कैसे बीमारी के बारे में पता चलने के बाद प्लानिंग शब्द का मतलब खत्म ही हो गया। Educated, ये किताब जो बिल गेट्स की फेवरेट है, कहानी एक शख्स की जो 17 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकी, पर उसके बावजूद उसने घर पर पढ़कर अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी की और बाद में बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से आगे की पढ़ाई खत्म की। बोन ए क्राइम, साउथ अफ्रीकन नेटिव ट्रेवर नो की कहानी जो बिल गेट्स को बहुत इंस्पायरिंग लगी, जिन्होंने भी बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसिस बचपन में देखे लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़े लेवल पे पहुंचे। बुक्स फॉर नोइंग आर ओरिजिन रिकमेंडेड बाय बिल गेट्स। सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड। ओरिजिन स्टोरी, ए बिग हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। दोनों किताबें जो बिल गेट्स रिकमेंड करते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो यूनिवर्स के स्टार्ट से ह्यूमन का प्लैनेट अर्थ पर डोमिनेशन की पूरी कहानी आप जान जाओगे। बुक्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट रिकमेंडेड बाय बिल गेट्स। फैक्टफुलनेस, 10 reasons we were wrong about the world and why things are better than you think. Mindset, the new psychology of success. Moonwalking with Einstein, the art and science of remembering everything. Students ke liye ek behtareen kitab. The Checklist Manifesto, how to get things right. Ek aisi kitab, aap chahe kisi bhi profession mein ho, aapko read karni chahiye. Range, why generalist shrimp in a specialized world. Get some headspace, how mindfulness can change your life in 10 minutes a day. Bill Gates कहते हैं कि ये वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद उन्होंने regular meditation करना शुरू कर दिया. 21 lesson for the 21st century. Why we sleep, unlocking the power of sleep and dreams. Bill Gates के अनुसार नींद को समझने के लिए सबसे बेहतरीन किताब है. Prepared, what kids need for a fulfilled life. इस किताब से बिल गेट्स इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि ऑथर ने एक ऐसे स्कूल सिस्टम की स्थापना की है जो ट्रेडिशनल सिस्टम से बहुत अलग है, और ऐसा स्कूल सिस्टम है जो बच्चों के लिए एक्चुअली होना चाहिए। बुक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर रिकमेंडेड बाय बिल गेट्स। लाइफ 3.0, बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्मी ऑफ नन, ऑटोनोमस वेपन्स एंड द फ्यूचर ऑफ वॉर। ये दोनों किताबें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में ह्यूमन कैसे सर्वाइव करेगा उसके बारे में बताती है। तो दोस्तों, ये थी वो 20 किताबें जो बिल गेट्स की पढ़ी हुई और रिकमेंड की हुई किताबों में से मुझे बहुत बेहतरीन लगी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। किताबों की दुनिया से और बहुत से बेहतरीन बातें जानने के लिए स्टोरीराइट चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं फिर लौटूंगा किताबों की दुनिया से एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।